Now let's go to your exercise and see what other kinds of questions can be asked. Okay, the first question is, show the following numbers on number line, draw separate number lines for each example. Ab now there are some examples that are given to you and you need to draw the number line for the following rational numbers. चलो देखते हैं किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. पहला है हमारे पास 3/2. अब 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 3 into न्यूमरेटर अलग करके into 1/2 डिनोमिनेटर. हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब यहां पे देखिए क्या है, 1/2, तो हर यूनिट को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा? दो पार्ट्स में मैं उसको डिवाइड करूंगा. सो अब पॉजिटिव है तो मतलब कि यह 0, यह 1, यह 2 एंड सो ऑन. दिस इज -1, दिस इज -2. हर यूनिट दो पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, मतलब कि यह होगा 1, 2 एंड देन हमने जितने हमारे पास थे -2, -1, 0, 1, 2 हर यूनिट को दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब मुझे 0 के बाद कौन सा पॉइंट देखना है, कौन ने कितने नंबर का पॉइंट होना चाहिए? 3 नंबर का. सो 1, 2, 3. अब ये जो पॉइंट है, दिस इज 3/2. ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 0.3/2. ओके, अब अगर मुझे नेगेटिव में कोई 3/2 पता करना होता तो वो यहां पे हो जाता कैसे, 1, 2 एंड दिस इज थर्ड पॉइंट. तो फिर ये हो जाता मेरा -3/2 अगर मुझे प्लॉट करना होता. तो अगर मुझे चेक करना है क्या इज इट रियली 3/2, मैं कैसे कर सकता हूं? ये है मेरे पास 1, यहां से यहां तक है हमारे पास 1. ये कितना है, 1/2, इजंट इट? हमने हाफ पार्ट में 1/2 के में डिवाइड किया रेशियो में. सो 1 यहां से यहां तक 1 है, इजंट इट? दिस इज 1 और दिस इज 1/2. सो 1 + 1/2. अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, सो ये हो जाएगा 2/2. एक ही नंबर को अगर हम किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया किसी डिजिट से और उसी डिजिट से डिवाइड भी कर लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर लिया, +1/2. अब मैंने 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया? ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए. अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो ये हो जाएगा 2 + 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2. सो 3/2 इज द राइट ऑप्शन. अगर मेरे पास सिर्फ ये ग्राफ दिया गया होता और पूछा जाता कि कौन सा पॉइंट है या फिर व्हाट इज द एग्जैक्ट डिजिट ऑफ विच एवर पॉइंट दैट इज गिवन, तो फिर हम वहां से पता कर सकते हैं इस तरीके से. ओके, सो कीप वन थिंग इन माइंड कि इट्स ऑलवेज नॉट नेसेसरी दैट दे विल ओनली गिव यू द नंबर्स एंड आस्क यू टू ड्रॉ द नंबर. दे मे ऑल्सो गिव यू नंबर लाइन्स एंड देन आस्क यू टू ड्रॉ और टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ विच एवर पॉइंट दे हैव शोन इन द नंबर लाइन. ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन पे भी हम आएंगे. पहले चलते हैं इसी फर्स्ट और मुझे प्लॉट करना है 5/2 को. सो 5/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट एज 5 × 1/2. अब सेम जो ग्राफ हमने इससे पहले बनाया था, वी विल हैव टू ड्रॉ द सेम ग्राफ. द ओनली डिफरेंस विल बी हमें अब फिफ्थ पॉइंट देखना है. इससे पहले हमने थर्ड पॉइंट देखा था, नाउ वी विल हैव टू गो फॉर द फिफ्थ पॉइंट. अब हम फिफ्थ पॉइंट को देखेंगे. ओके, तो ये है 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. ओके, और नेगेटिव पॉइंट्स की वैसे हमें जरूरत नहीं है, बट यू विल ऑलवेज हैव टू प्लॉट देम टू शो अ प्रॉपर बैलेंस ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड. ठीक है, तो यहां हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो 1, 2 यहां पे भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ओके, यहां पे भी और यहां पे भी. हमें क्या करना है, 0 के बाद फिफ्थ पॉइंट चेक करना है ऑन विच साइड, ऑन द राइट साइड. व्हाई? बिकॉज इट इज पॉजिटिव. व्हाट इफ दे वुड हैव आस्क्ड अस फॉर द नेगेटिव वन? हम लेफ्ट साइड में फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, बट राइट नाउ हमें राइट में देखना है. तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5. So, ये जो पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट 5/2. तो दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5/2. यू जस्ट नीड टू मार्क इट लाइक दिस एंड दिस इज 5/2. ओके, सो इस तरीके से हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं इफ नंबर्स आर गिवन टू अस. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है -3/2. ओके, अब मैंने कहा था इसे पहले 3/2 तो हम प्लॉट कर चुके हैं. -3/2 को प्लॉट करने के लिए हमें सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में थर्ड पॉइंट. सो 1, 2, 3. सो दिस पॉइंट इज माइनस
थ्री बाय टू है ना, यहां से अगर नेगेटिव होता है तो कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम प्रोसीजर नीड्स टू बी फॉलोड, द ओनली डिफरेंस दैट टेक्स प्लेस इज हमें राइट की जगह लेफ्ट साइड में चेक करना पड़ता है कि कौन से नंबर का पॉइंट हमें प्लॉट करना पड़ने वाला है. ओके दैट्स इट, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स दैट आर गिवन एंड हाउ टू प्लॉट देम. सिर्फ राइट या लेफ्ट में कहां चेक करना है हमें, उसका फर्क पड़ता है. दैट्स इट. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी का क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस एट 1.1 के 3 का नेक्स्ट देखते हैं. -5/8 एंड 11/8 क्वेश्चन क्या है, हमें प्लॉट करना है नंबर लाइन के ऊपर. पहला है -5/8. अब देखिए यहां पे भी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है. वेन एवर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, उस वक्त पे हमें एक चीज पक्की है कि 0 और 1 के बीच में कहीं पर हमारा पॉइंट आने वाला है. ओके अब ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है, तो फिर आपको 5, 6, 7 तक लिखने की जरूरत नहीं है. 0 दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2. ओके अब हमें क्या चेक करना है, -5/8. अब मैं 5 -5/8 कैन बी रिटर्न एज -5 × 1/8. मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, इंटू 1/8 है, मतलब हर यूनिट को मुझे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ने वाला है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके और यहां तो हर पार्ट को हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ने वाला है. सो सेम वे यहां पे, ठीक है. अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, जीरो के बाद हमें कौन से नंबर का पॉइंट देखना है, फिफ्थ पॉइंट. सो फिफ्थ पॉइंट इन लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट क्यों, क्योंकि नेगेटिव है. फिफ्थ पॉइंट इन लेफ्ट डायरेक्शन वुड बी 1, 2, 3, 4, 5. सो ये जो पॉइंट है दिस इज -5/8. दैट्स इट. अगला क्वेश्चन इसी में है, हमें 11/8 चेक करना है. 11/8 का मतलब क्या हुआ, ओके ये हुआ 5/8. 11/8 कैन बी रिटर्न एज 11 × 1/8. तो हर पार्ट को, हर यूनिट को हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके अब हमें क्या, अगर 11th पॉइंट देखना है ऑन राइट साइड. राइट साइड क्यों, बिकॉज इट इज पॉजिटिव. 11th पॉइंट ऑन राइट साइड मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. सो दिस पॉइंट वुड बी 11/8. सो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को प्लॉट कर सकते हैं ऑन अ नंबर लाइन. चलते हैं अब प्रॉब्लम सेट 1.1 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इन विच दिस काइंड ऑफ डायग्राम इज गिवन टू यू. ओके और द क्वेश्चन इज, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. दिस इज द नंबर लाइन दैट दे हैव गिवन टू यू एंड दे हैव आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन द नंबर लाइन. अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी. पॉइंट बी की तरफ अगर हम आए तो ये है हमारा पॉइंट बी. अब अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो एवरी यूनिट, ठीक है, हर यूनिट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1, 2, 3, 4. हर यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4, मतलब कि हर यूनिट को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ओके सो हर सब पॉइंट का मेजर कितना होने वाला है, 1/4. एक यूनिट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब कि एक यूनिट का, एक सब यूनिट का मेजर कितना होगा, 1/4. ओके अब मुझे पॉइंट बी के बारे में पता करना है, ठीक है. तो 0 से 1 कितना हुआ हमारे पास, दिस मेजर इज 1. 0 से 1 ये मेजर 1 होता है. यहां से यहां तक का मेजर कितना होगा, 1. अब ये कितना है, 1/4. यहां से फर्स्ट पॉइंट तक है 1/4. यहां से सेकंड पॉइंट तक है कितना है, अगेन 1/4. ओके सो अब मैं कैसे पता करूंगा द वैल्यू ऑफ पॉइंट बी, इज इक्वल टू 1 + 1 + 1/4 + 1/4, विच विल बी इक्वल टू 2 + 2/4. तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2/4 कितना होता है, 2 + 1/2. अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2. तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 5/2. लेकिन वी कैन सी कि ये जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट साइड पे है. तो मतलब कि द वैल्यू ऑफ पॉइंट बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ
5 बाय 2, यहाँ होल केस में माइनस y माइनस वो लेफ्ट डायरेक्शन में है इसीलिए माइनस ऑफ 5 बाय 2, ओके। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन बाय फोर प्लस माइनस वन बाय फोर, सारे प्लस कैंसिल होके सर सिर्फ नेगेटिव टर्म्स बच जाएगी, ऑल नेगेटिव टर्म्स गेट्स एडेड टुगेदर एंड विल गिव यू माइनस फाइव बाय टू एट द एंड। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है विच पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय नंबर वन इंटू थ्री बाय फोर। ओके, अब मुझे इस फॉर्म में एक नंबर गिवन है वन इंटू थ्री बाय फोर, इस टाइप के नंबर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वन थ्री ये गिवन है, सो मैं वन इंटू फोर इसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है और ये उसके अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू वन इंटू फोर, वन इंटू फोर कितना हुआ फोर, प्लस क्या ऐड होता है उसमें थ्री, और डिवीजन में ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो डिवीजन में आता है, मतलब कि डिवाइडेड बाय फोर, दैट इज इक्वल टू सेवन बाय फोर। ओके, सेवन बाय फोर, अब सेवन बाय फोर को मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज सेवन इंटू वन बाय फोर, सेवन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब वन बाय फोर पार्ट में तो हर पॉइंट को यूनिट को हमने डिवाइड किया है वन बाय फोर के रेशियो में, ठीक है। तो अब सेवेंथ पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कौन सा है, सी, सो दिस पॉइंट इज 1 into 3 by 4. So which point represents 1 into 3 by 4? That is point number point C. ठीक है, अगर हमने जो point B देखा था, that could also have been calculated by कैसे? कि कौन से number का point है B वो check करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये कौन सा है? 10. So B is minus 10 divided by कितने points है? Into 1 by 4. ठीक है, सो टेंथ पॉइंट इंटू वन बाय फोर, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव और ये हो जाएगा टू, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव बाय टू। सो दिस इज अ बेटर ऑप्शन कि कौन से नंबर का पॉइंट है पहले वो कैलकुलेट करो, डिपेंडिंग ऑन लेफ्ट में है या राइट में है गिव इट साइन, कि राइट में है तो पॉजिटिव रखो और लेफ्ट में है तो नेगेटिव करो, एंड देन उसके बाद आप वैल्यूज को इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इसका है हमारे पास, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट पॉइंट डी डिनोट्स नंबर 5 बाय 2 इज ट्रू और फॉल्स। पहले पॉइंट डी का चेक कर लेते हैं कौन सा पॉइंट वो डोनेट कर सॉरी कौन से नंबर को पॉइंट डी डिनोट कर रहा है। सो कौन से नंबर का पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो पॉइंट डी इज 10th पॉइंट फ्रॉम 0। ओके, सो पॉइंट डी इज इक्वल टू 10 इनटू कितने रेशियो में डिवाइड किया गया हमने, 1:4 के रेशियो में, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 5 बाय 2। सो यस, पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5 बाय 2। सो इस तरीके से हम किसी भी नंबर लाइन को डिकोड कर सकते हैं इन एंड कैन डिसाइड और कैन फाइंड आउट विच नंबर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर।